Students, how are you all? I hope you are very well at your home. And as you know, I am your SST teacher, and this is your course book, Social Science, Our Environment, Part 2. This is your geography book, and it's a NCERT book. Okay, students. In previous video, we read about environment and three layers of the earth: lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Now, students, today we read. What is ecosystem? Okay, at an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What is a heavy downpour? It reminds me of my home in Kerala. You should come to see how it's pure over the lush green fields and coconut plantation." जो रवि था वो अपनी क्या कर रहा था, वो केरला गया हुआ था, उसका होम टाउन केरला में था. वहां पर उसे क्या देखा, वहां पर उसने क्या देखा, बहुत सारी ग्रीन फील्ड्स दिखी जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब जिसमें बहुत ही ग्रीनरी थी. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गॉट नो रेन्स. और जो हीरा थी वो कहाँ की थी, वो जैसलमेर की थी, जो बता रही थी कि जैसलमेर में जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, जहाँ पर उसे कीकर के पेड़ और सिर्फ सैंड ही सैंड मिलती, रेत ही रेत मिलती. एज फॉर एज द आईज कैन सी, दूर दूर तक यही सब दिखाई देता है. बट ऑल्सो फाइन कैमल्स, बट यहाँ पर कैमल्स भी मिलते हैं, रवि ने कहा. सैड रवि. हीरा सेज, Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too. हीरा ने कहा, सिर्फ यहाँ पर कैमल ही नहीं, डेजर्ट्स में बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि स्नेक्स, लिजार्ड एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं. रवि वंडर्ड हो गया, घबरा गया. Why do the animals and vegetation and the way people live very far from the place? They are related to each other. Oh yes, very much so, the teacher replied. All plants, animals and human beings depends on their immediate surroundings. जो पेड़ पौधे, animals और human beings होते हैं, वो हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, जो animals, पेड़ पौधे और plants होते हैं, वो एक दूसरे पर depend करते हैं. Often they are interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem. There could be an ecosystem of a large rain forest, grassland, deserts, mountains, lake, river, ocean and even a small ponds. हमारे जो आसपास इकोसिस्टम में बहुत सारे क्या मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन और स्मॉल पॉन्ड्स मिलते हैं. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फ्रॉम इकोसिस्टम, क्या आपने कभी सोचा है कि रवि और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कहाँ प्ले कर रहे हैं? ह्यूमन एनवायरमेंट. Human beings interact with environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They lead the simple life and fulfilled their requirements from the natural around them. With time, needs grew, become and move varied. Humans learn new ways to use the changed environment. They learn to grow crops, domesticated animals and lead the settled life. The wheel was invented, surplus food for produce. Better system emerged, the trade started and commerce development. अब जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, जैसे पहले व्हील का आविष्कार हुआ जिससे हमने क्या करना सीखा, अब व्हील के आविष्कार से अब ट्रांसपोर्ट में व्हील लगने लगे हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं ना इजीली. जैसे फिर अर्ली ह्यूमंस ने फायर का इन्वेंशन, फायर का डिस्कवरी की, तो अब फायर से हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं ना. उस तरीके से धीरे धीरे हर चीज़ें बदलती जा रही हैं. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल टू लार्ज अस स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम अ फास्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत फास्टर बन गया. इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड द कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्प्रेड द अक्रॉस द वर्ल्ड. हैव यू एवर थॉट वाई यू हैव लव टू ईट जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर,
क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको गर्मी के दिनों में बहुत जूसी वाला जो वाटरमेलन है वो क्यों पसंद है, और ठंड में गरम गरम रोस्टेड पीनट्स कैसे अच्छे लगते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, किसके बीच में, नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। यू मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi's upsets and having lost of his playground, Nuri's invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked two students to draw the landscape, houses and activities to people, place and their visits during the... Now students, this is your first chapter is complete. Completed, and this is the question answers. What is an ecosystem? The system formed by the interaction of all living organisms with each other, with the physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material, is called ecosystem. The second question, what do you mean by natural environment? The basic components and organism that are naturally present in environment without any human involvement, like a land, water, air, plants and animals, comprise the natural environment. Give four examples of human-made environment. Four examples of human-made environment are building, park, industries and bridges. Now this is your homework. What is a lithosphere and which are the major components of the environments? Please note down in your notebook. Okay, and this is your homework. And student, this is the exercise you do in your book. Okay, thank you. Take care and have a nice day. And we will meet in the next video. Okay.